साथियों, लीवर के बारे में आज मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसको कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, यानी कि लीवर में जो साइज बढ़ जाना होता है, कहें तो एक सामान्य भाषा में हिपैटोमिगैली। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर कहें तो सोनोलॉजिस्ट लिख के दे देता है कि हिपैटोमिगैली, माइल्ड हिपैटोमिगैली, यानी कि लीवर में हल्की सूजन है। तो साथियों, हल्की सूजन को ही हिपैटोमिगैली के नाम से जानते हैं। यह एक अंतर्निहित समस्या होती है, यानी कि यह बहुत से लोगों में समस्या होती है और यह एक दूसरी बीमारी का कहें तो एक तरह से संकेत होता है। जैसे कि लीवर की बीमारी, लीवर की बड़ी बीमारी का एक पहले यह संकेत होता है, उसके साथ साथ कैंसर का भी कभी कभी यह संकेत होता है। साथियों, लीवर बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि ज्यादा एल्कोहल पीना। जैसे कि जो लोग ज्यादा एल्कोहल लेते हैं उनको भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस जैसे वायरल संक्रमण अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी लीवर की जो साइज है वो बढ़ जाती है। मोटापे से जुड़ा फैटी लीवर जिसे कहते हैं, अगर आपको मोटापा ज्यादा हो गया है, आप में कहें तो फैट डिपोजिशन ज्यादा हो गया है, तो फैटी लीवर भी हो जाता है। ये भी एक तरह का रोग है। साथियों, लीवर बढ़ने के कुछ लक्षण है, जैसे पेट भरा हुआ महसूस होना। अगर आपका लगता है कि पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है, गैस बनी हुई है, पसलियों के नीचे दाई तरफ, जैसे कि आपको इस साइड कहें तो आपके बाएं साइड, दाहिने साइड में पसलियों के नीचे दर्द होता है, उस टाइम कहें तो ये इसका ही सिम्टम होता है। तो ये हिपैटोमिगैली का ही सिम्टम होता है। उसके साथ साथ दर्द भी होता है, कभी कभी बेचैनी भी देखी जाती है कि बेचैनी भी हो जाती है, थकान भी होता है, कभी कभी वजन भी घटने लगता है। ऐसी समस्या अगर आती है तो आपको सजग होना चाहिए और आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोई लक्षण भविष्य के लिए हमारे खतरा साबित हो सकता है। तो साथियों, लीवर बढ़ने का इलाज कहें तो जीवन शैली में बदलाव कर लें आप। जैसे जीवन शैली में बदलाव कहें तो तली भुनी चीजें, जो आहार लेते हैं बाहर की चीजें, वो न खाया करें। तली भुनी चीजें एकदम नहीं लेना है अगर आप अपने लीवर को सही रखना चाहते हैं। संक्रमण या लीवर की बीमारी के लिए दवाएं भी करना होता है, यानी कि अगर आपको संक्रमण हो गया है तो आपको कोई बीमारी अगर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है तो दवाएं भी चलती हैं जिससे आप ठीक हो जाते हैं। जरूरी होने पर सर्जरी भी होता है, यानी कि जब आपको जरूरी हो तो सर्जरी भी होता है। साथियों, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए खाना क्या चाहिए, यानी कि सबसे बात तो यही आती है कि लीवर को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें क्या लेना चाहिए। तो संतुलित आहार खाना चाहिए और उसके साथ साथ फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। यानी फाइबर युक्त भोजन कहें तो जैसे नींबू का पानी सेवन करें और उसके साथ साथ आप सेब खाएं, सेब के साथ साथ आप अनार ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, यानी कि सलाद भी आप ले इसके साथ, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो साथियों, चलिए अब ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, लीवर की साइज बढ़ जाने पर, यानी कि जब आपके लीवर का साइज बढ़ जाता है, यानी हिपैटोमिगैली हो गई है, तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है चाइना। चाइना जो होती है, जिगर या तिल्ली सूजकर बड़ा हो जाए, पेट में हवा भर जाए तथा जिगर के आसपास दर्द हो रहा हो, तो रोग को ठीक करने के लिए चाइना औषधि की 30 शक्ति में उपयोग करना उचित होगा। यानी कि 30 पावर में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम आपको लेना है। और उसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। यदि जिगर की तिल्ली के बढ़ जाने के साथ साथ बेचैनी हो रही हो और इसके साथ ही दर्द भी हो रहा हो तथा इस प्रकार के लक्षण हों, जैसे कि रात के समय में कष्ट हो, बेचैनी होना, अधिक कमजोरी महसूस होना, जरा सी परिश्रम करने पर थक जाना, अधिक प्यास लगना, लेकिन थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट कर पानी पीना, यानी एक बार में ज़्यादा पानी नहीं पीना, थोड़ी थोड़ी करके बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिकम एल्बम औषधि की शक्ति 30 का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को, बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, इसके बाद है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 3 यानी कि तीसरी मेडिसिन है। जिगर में सूजन होने के साथ ही तेज दर्द होता है, यानी कि जिगर के साइड में दर्द होता है तथा चुभन सी होती है। सांस लेने, खांसने तथा छूने से उस भाग में दर्द होने लगता है, यानी दाहिने साइड में आपको पसली के नीचे खांसने पर, सांस लेने पर, उसके साथ साथ छूने से दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षण होने पर आपको ब्रायोनिया औषध की 30 शक्ति को उपचार में लेना है, जिससे कि आपका लीवर कहें तो ठीक हो जाता है। साथियों, चौथी मेडिसिन है चियोनाइंथस। चियोनाइंथस की बात करें तो जिगर बढ़ने के रोग को ठीक करने के लिए चियोनाइंथस औषधि की मूल अर्क का प्रयोग करना अधिक
लाभकारी होता है। जिगर बढ़ने के साथ ही नाभि के आसपास के भाग में दर्द होता है, खींचन होती है, ऐंठन होती है और ऐसा लगता है कि आंतों को किसी रस्सी से बांधा है और बांध कर फिर यह धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। इस प्रकार के लक्षण होने पर रोग ठीक करने के लिए आपको चियोनैंथस औषधि का उपयोग करना अधिक फायदेमंद होता है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स देखने को मिलता है। साथियों इसके बाद मेडिसिन आती है लीवर टॉनिक। साथियों लीवर टॉनिक का है तो लिबर्टी SBL कंपनी बनाई है जो कि बहुत ही बेहतरीन अच्छा काम करता है। इसके इन दवाओं के साथ साथ आपको ये सिरप भी पीना होता है, जिससे कि आपका रोग ठीक हो जाता है और आपका लीवर कहें तो हेल्दी हो जाता है। साथियों एक टॉनिक और आता है जिसको कि लीव 6 के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन काम करता है और ये शुगर फ्री है। साथियों ये शुगर फ्री है, खूबसूरती इसमें ऐसी है कि ये शुगर फ्री है, इसको कोई किसी को भी दिया जा सकता है, यानी शुगर के पेशेंट हैं तो उसको भी दिया जा सकता है, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।